अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट्स के लिए लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास फिजिक्स पेपर पेयरिंग स्कीम 2023 को डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि लेटेस्ट फिजिक्स 9th क्लास 2023 की पेयरिंग स्कीम में कौन से चैप्टर से MCQs आने हैं, कौन से चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस और कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। स्टूडेंट्स और टीचर की सहूलत के लिए इस वीडियो में हम तमाम डिटेल्स शेयर करेंगे। और ये पेपर पेयरिंग स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा, गुजरांवाला, साहिबाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और आज़ाद कश्मीर के लिए है। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह 9th क्लास फिजिक्स का पेपर इसी स्कीम के मुताबिक ही आएगा। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की लेटेस्ट एजुकेशनल न्यूज़ बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम फिजिक्स 9th क्लास ऑब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट से आपने 12 MCQs करने होते हैं और ये पार्ट 12 मार्क्स का होता है। इसकी पेयरिंग कुछ इस तरह से है, चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQs आने हैं, चैप्टर नंबर 2 से 1 MCQs आना है, चैप्टर नंबर 3 से 1 MCQs आना है, चैप्टर नंबर 4 से भी 1 MCQs आना है, चैप्टर नंबर 5 से 2 MCQs आने हैं, चैप्टर नंबर 6 से 1 MCQs आना है, चैप्टर नंबर 7 से 1 MCQs आना है, चैप्टर नंबर 8 से भी 1 MCQs आना है, चैप्टर नंबर 9 से 2 MCQs आने हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन मज़ीद 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं और हर पार्ट 10 मार्क्स का होता है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और कोई से 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट करने होते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें 3 क्वेश्चंस की आपके पास च्वाइस होती है। इसकी पेयरिंग कुछ इस तरह से है, चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी 8 क्वेश्चंस होते हैं और कोई से 5 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। इसकी पेयरिंग कुछ इस तरह से है, चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, चैप्टर नंबर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट करने होते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की पेयरिंग कुछ इस तरह से है, चैप्टर नंबर 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, चैप्टर नंबर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और चैप्टर नंबर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सब्जेक्टिव पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। इस पार्ट के टोटल मार्क्स 18 होते हैं और इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। स्टूडेंट्स ने कोई से 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट की पेयरिंग कुछ इस तरह से है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को मिलाकर आनी है और इस क्वेश्चंस का बी पार्ट चैप्टर नंबर 3 से आना है। स्टूडेंट्स, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं ताकि पेपर में आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना रहे। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट की पेयरिंग चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को मिलाकर बनाई जाएगी और बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 से आना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल और थ्योरी के क्वेश्चंस अच्छी तरह से तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की पेयरिंग कुछ इस तरह से है, इस क्वेश्चंस का ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 से आना है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 को मिलाकर आना है। क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल और थ्योरी वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकती हैं। मज़ीद डिटेल के लिए आप चिश्ती मॉडल सुपर 1 फिजिक्स 9th क्लास के मॉडल पेपर को ज़रूर स्टडी करें।
अल्लाह आप सबको इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इस मालूमाती वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।